Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video, it's a fight against Godi Media. So kar na! And can you feel that the crow is coming? कौवे की फितरत होती है एक मुंडेर से उड़ के दूसरे मुंडेर में बैठ जाना। बोल रहा है कागा। माफी मांगता हूँ मैं। पहले वो यहाँ गया था। छत पर काला कौवा बैठा। फिर उसके आज जो सेंटीमेंट है वो ठीक नहीं रहा। क्योंकि तिहाड़ी खाली करके चला गया है तो फिर तो जगह बनती है। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है? यही तो बादशाह है। So yeah, he's going to be the highlight of this week, but guys. माफी मांगता हूँ मैं। गोदी नंबर 5, अच्छी बात है मूवी ने अवार्ड जीता है। तुम रिपोर्ट करो, डांस क्यों कर रहे हो? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? न्यूज स्टूडियो में कभी सोचा था कि लोग ऐसे डांस? क्या हो रहा है ये मोदी जी? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Why there was a need? And honestly, you're not doing it right. Trust me. कैसा कल्चर आता जा रहा है? न्यूज स्टूडियो में एक समय था लोग बैठ के शांति से समाचार बताते। सम्मेलन में जनसंख्या बढ़ने की जटिल समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। डांस करना, चिल्लाना, बोलिए पत्रकार अमेरिका का दलाल होता है क्योंकि पत्रकारिता की इस दुनिया में ऐसे झाट भी नहीं समझते हैं। या दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ अ कल्चर इन न्यूज। एंड दिस वीक गुल्लू, स्पेशली गुल्लू इज इन डबल ट्रबल। पहले एक बार, फिर दूसरी बार। Yeah, there was the verdict of Honorable Supreme Court. Please listen to it. Where the Supreme Court has said today in oral observations that offending anchors must be taken off air. The Supreme Court asked the News Broadcasters Association's Council. फिर लोगों ने कहा, फिर क्या करें गुल्लू, जॉब छोड़ दे? थोड़ी मर्यादा रखिए। फिर मोदी जी ने भी कहा कि अरे बंद करो, क्या लगा रखा है ये? वैसे ये उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को कहा है, तो मतलब मीडिया को भी कहा है। You won't understand the pain of our dear Gullu this week. How? Gullu ko Gullu kyun kaha gaya? Kyun kaha gaya? Hey Gullu. Oh Gullu. Thodi maryada rakhiye. Par ab Gullu ke aur thode bhav kam ho gaye kyunki Yogi ji ko bhi koi mil gayi hai. Billi. Yes, that was the breaking news. Billi CM Yogi ki kursi par ja baithe. Jab Mukhyamantri wahan par pahunche to kya hua? Aap khud dekhiye aur suniye. Oh. Kaise? I mean, Gullu lost the attention. You can understand his feeling. Dil hai toota, toote hai hum. But I'm still thinking about this anchor here. Why she's dancing? हाँ ये कर लो पहले। और जैसे आर 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 ने अवार्ड जीतना शुरू किए, मतलब पूरा मीडिया इस सोच में लग गया कि मोदी जी को कैसे क्रेडिट देना है। लेकिन आगे निकला एक न्यूज़पेपर, उसने बीच में मोदी जी की फोटो लगा दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड डिड यू नोटिस दैट गाइस, 2024 यू नो द इलेक्शंस आर कमिंग एंड गोदी मीडिया इज गियर्ड अप। हम भी हैं जोश में। पार्टी की तैयारी छोड़ो, गोदी मीडिया ने पहले तैयारी व्यारी शुरू कर दी है। पहला राम वर्सेस रावण, दूसरा तिहाड़ी आ गया वो बताने की कितनी सीटें मिलेगी, कितनी फिक्र हो रही है इसे। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड डेस्परेशन ओवर हियर। पार्टी तो छोड़ो, उसने तो अभी कुछ बात ही नहीं करी, मीडिया ने पहले तैयारी शुरू कर दी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, देयर आर सो मेनी पीपल तिहाड़ी को देख के वो फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि ये एक पत्रकार बोल रहा है, ये कार्यकर्ता बोल रहा है। नहीं, सच्ची बात है ये। अभी से ही उसने आम आदमी पार्टी को कोसना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इसमें एक ऐसी पार्टी है जो मुफ्त के सामान पर चलती है। उसका चुनाव जीतने का एक ही मॉडल है, वो है मुफ्त का माल। और इसने एक और काम किया जोशीमठ के बारे में, वी गोना टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ट्रस्ट मी गाइस, दिस गाय इज अनस्टॉपेबल एंड नाउ क्रो इज कमिंग एट हिज प्लेस। ओके, अभी और कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, कौन कितना और उसके बाद कितना जहर फैलाता है। Honorable Supreme Court इसी बात से चिंतित है इसलिए कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ गोदी मीडिया वाले पता नहीं क्या ही करेंगे। You know, most of the working professional and students are thinking they need to learn coding for a high paying job. That's wrong because here you just need a graduation and you can also be from non-tech background. And how is it possible? Through coding invaders. Because they are offering IT profession from scratch to employment course. They are saying they will provide 9 months of course and it will come with 100% employment guarantee. How it works, in first 6 weeks, you will learn about different IT fields. And after that, with the help of
career counselors of Coding Invaders, you will choose the right program. And also you get 1 month internship. And after that, a guaranteed job. And project case studies and modules are designed by industry professionals. And the best part is before enrollment, you will have money back guarantee. Means if you won't get the job, they will return 100%. So if you are interested, go for that. This is the coupon code BH20. You will get 20% of discount in job guarantee batch. Link is in the description section. Don't miss that. So करना. And this is something hilarious. Just listen to that. ट्विटर खरीदकर पैसों की तंगी से परेशान हुए एलन मस्क. एलन मस्क के सामने नौबत टीवी फ्रिज टेबल कुर्सी बेचने तक की आ गई है. सच्ची टेबल कुर्सी बेच रहा है. क्या बात कर रहे हो. He is the owner of SpaceX, the world richest man he was. I mean, what you guys are talking about? किराने की दुकान नहीं चला रहा, SpaceX चला रहा है. News24 वालों, एक घर की कुर्सी टेबल फ्रिज क्यों बेचेगा? पागल हो गए हो क्या? हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है. So that was the in-depth knowledge our news channels are having. Now this bit, guys. This bit is famous for our dear Navika. This is so bad कि दोनों तरफ से झाड़ पड़ रहा है. ये हो गया. जो कचरा आप चुनकर लाइए. फिर दूसरी पार्टी का बंदा बोलता है, एंड यू वर सेइंग अ राइट थिंग, जस्ट लुक एट द फेस एक्सप्रेशन ऑफ नविका. रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर. बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी? शीला दीक्षित की सरकार पर. और बिल्कुल ये आपका काम था, एज अ जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था. आज वो नविका कुमार कहां है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऑन हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज परफेक्टली करेक्ट. आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था. उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे. हम किसी पार्टी पूटी के साइड नहीं है, पर ये सच्ची बात है. मतलब ये पूरा मीडिया बोलता है राहुल गांधी का है, राहुल गांधी का है, राहुल गांधी का है. व्हेन राहुल गांधी इज डूइंग द भारत जोड़ो यात्रा, नो रिपोर्टर एंड नो न्यूज चैनल वॉज कवरिंग इट. उसमें उल्टा लूपहोल निकाल निकाल के बताते रहते हैं. विपक्ष को थोड़ा तो इनको पुश करना चाहिए. मतलब वैसी इतनी बुरी हालत हो रही है. ही इज एब्सोल्युटली राइट हियर. जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है. I mean seriously, Navika, you gave so much time to Taimur's private business. He's currently on the potty. मतलब इतनी बड़ी बात अगर आप डिस्कस कर सकते हो तो विपक्ष क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी आप कवर कर सकते हो. हमें इसे देश को ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है. I'm not interested, यार. मुझे सुनना ही नहीं है. They are not telling what the opposition is saying. Then people like Tihari will appear. हम पिछले दो हफ्तों से बोल रहे हैं कि जोशीमठ में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं जिससे ये पूरी त्रासदी शुरू हुई. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में मिला. इस पर सवाल उठाना मीडिया का काम था. काम का ना काज का दुश्मन अनाज का. अरे सवाल छोड़ो, इस तिहाड़ी ने वहाँ पे मैगी खाने वाले और सेल्फी लेने वाले लोगों को जिम्मेदार बता दिया. जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर रील्स बनाने के लिए जाते हैं, रुक रुक कर नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, उन लोगों को यहाँ के पहाड़ों का जो असली दर्द है वो पता नहीं होगा. तुम लोगों की गलती है, तुम क्यों जाते हैं वहां सेल्फी लेने? कैन यू बिलीव दैट? ये रेल लाइन उन लोगों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है जो शहरों से पहाड़ों पर शायद छुट्टियां मनाने के लिए घूमने आना चाहते हैं, रील्स बनाते हैं, यहां आकर एंजॉय करते हैं. अबे तिहाड़ी टनल वो मैगी खाने वाले और सेल्फी लेने वालों ने थोड़ी खोदा था. ये तो सरकार ने कहा था तो खोदा गया. सरकार से सवाल पूछने के बजाय उन लोगों को ब्लेम कर रहा है. क्या बंदा है यार ये. क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है. I mean, a party spokesperson won't say like this. गजब की चल रही है. दिल्ली में इलेक्शन हार जाते, जनता मुफ्तखोर. तुम्हारी गलती. लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था. उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी. He always have a problem with selfies. Yeah. और मुफ्त खोर ये, वो खुद ने मुफ्त खोरी करके आईफोन खरीदा और खुद की सेल्फी लेता है, तब याद नहीं आता तुझे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. सेल्फी लेते हो इसलिए दरारे आ गई. हद हो गई यार. दलाल. And now guys, गोदी नंबर वन. And all I have this entrance of दीपक चौरसिया. मतलब इसको जितनी बार देखोगे उतना मजा आएगा, आनंद मिलेगा. कोई एडिट की जरूरत ही नहीं है. वो देखो जा रहा कौआ. And when he appeared on Z News, he said this. सबसे पुराना चैनल, सबसे पुराना चेहरा, मैं दलाल. अब Z News पर. जैसे कि अपन स्वर्ग में है ना, ऐसा लगता है. Yes, he was the oldest face. बहुत पुराना चेहरा है. बोलिए, पत्रकार. ऐसा दिखा करता था.
अब देखो क्या हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। सो या वी डोंट हैव मच टू से हाउ इज गोना डू द न्यूज, वी ऑल नो इट, दिस वीडियो इज गोइंग वायरल। देखो देखो कौन आया, एक ऑनेस्ट कौवा हो जाए, मैं और जहर फैलाऊंगा और ज्यादा चाटूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दिस, बट लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, ये टीआरपी बटोरने के नाम पे अभी और जहर फैलने वाला है। ये इसके जी न्यूज पे करेगा और ये तो आज तक पे कर ही रहा है, न जाने क्या 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 होगा। अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए तो देश की आधी से ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। इतने बड़े बड़े इश्यूज जहां पे लोग ही जाने जा रहे हैं, घर खराब हो रहे हैं, वहां पे बात नहीं कर रहा मीडिया, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड डिस्ट्रैक्टिंग द व्यूअर्स, इट्स अ क्राइम गाइस। तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, खुद मोदी जी कहते हैं यार लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। सो गाइस, ये हमारी कोशिश होती है कि मीडिया सुधर जाए, पर क्या कर सकते हैं। Play it. Dharma de naam te debate milugi.